नमस्कार साथियों, एक बार फिर से पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेज में। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे 2021 की सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में, जो जिसका इंतजार काफी दिनों से जो है बहुत सारे विद्यार्थियों का था। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है, SI की भर्ती है, वो सरकार ने उसका नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया। साथियों साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले बता देता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन उसे प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑल इंडिया की किसी भी वैकेंसी की न्यूज़ सबसे पहले दी जाएगी, ये जो है हम दावा करते हैं। साथियों चलिए, साथियों राजस्थान SI की, यानी कि SI की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका इंतजार काफ़ी समय से बहुत सारे जो विद्यार्थियों को था। तो आयोग द्वारा जो है गृह विभाग हेतु गैर TSP यानी सामान्य हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के अंतर्गत TSP क्षेत्र हेतु अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिकीय वर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा यानी भर्ती एवं सेवा के अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत उप निरीक्षण यानी कि SI की 859 पोस्टें हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी, कितनी पोस्टें हैं? 859 यानी कि 859 पोस्टें SI की आ चुकी। साथियों तो SI की 859 पोस्टें आ चुकी है, ऑनलाइन आवेदन के लिए आमंत्रित जो है किया जाता है, ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी कर दिया गया है। साथियों इसमें कितनी पोस्ट हैं प्रत्येक वर्ग वाइज मैं बताऊंगा आपको, प्रत्येक कैटेगरी वाइज। तो सामान्य, उसके बाद जो है सामान्य महिला वगैरह का सब देखेंगे आप। उससे पहले मैं बता देता हूँ, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, सामान्य में 170 पोस्टें हैं, सामान्य महिला 49, विधवा 19, परित्यक्ता जो डिवोर्स्ड होते हैं 4 उनके लिए सामान्य, फिर SC की सामान्य 52, सामान्य महिला जो SC की जो है 15 पोस्ट हैं, विधवा की 5, परित्यक्ता जो है वह 1 है। उसके बाद ST में पुरुष की 52, महिला की 15, विधवा 5 और परित्यक्ता 1। फिर OBC की बात करें तो सामान्य OBC जो पुरुष होते हैं 124 पोस्ट है, बहुत ही शानदार पोस्ट है, सामान्य महिला 35 है, विधवा 14 और परित्यक्ता की 3 पोस्ट है। उसके बाद MBC की बात करें तो सामान्य 24 है, सामान्य महिला 7 है, विधवा 2 और परित्यक्ता की कोई पोस्ट नहीं। EWS की बात करें तो सामान्य 47 पोस्ट है, सामान्य महिला 13 पोस्ट, विधवा 5 और परित्यक्ता की 1 पोस्ट है। साथियों केवल TSP क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी TSP क्षेत्र गैर TSP क्षेत्र के संबंध में अपनी प्राथमिक क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें। सभी अभ्यर्थी उपरोक्त चार शाखाओं से संबंध अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से बताएं। साथियों इस वीडियो में बात करेंगे SI की पूरी जो है वैकेंसी के बारे में। इसमें शामिल है हमारा SI नोटिफिकेशन, उसके बाद सिलेबस की बात करेंगे, क्या बात करेंगे? सिलेबस। उसके बाद एग्जाम डेट की बात करेंगे, एग्जाम डेट। उसके बाद जो है बात करेंगे फॉर्म कि जो है ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या है, उसके साथ साथ उसके बाद कब जो है इसके एग्जाम होंगे उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो साथियों चैनल जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, जो आपके काम की चीज होगी मैं आपको दूं। चलिए ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा, उसके बाद शारीरिक दक्षता, उसके बाद परीक्षा, फिर साक्षात्कार इंटरव्यू होगा। उसके बाद बात करें यदि तो परीक्षा का स्थान क्या रहेगा? परीक्षा स्थान और तिथि संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की बात करें तो ये परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से, यानी कि आपको चार ऑप्शन वाली परीक्षा होगी, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। उससे पहले विस्तृत पाठ्यक्रम हम जो है आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा बता देंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो साथियों वीडियो को जो है अंत तक देखें, और भी बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके साथ साथ आपको SI का पूरा सिलेबस, डिटेल सिलेबस वीडियो के माध्यम से कल सुबह मिल जाएगा, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आवेदन अवधि की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 9 फरवरी से आवेदन आपके स्टार्ट हो रहे हैं और 10 मार्च तक आवेदन चलेंगे। 9 फरवरी से 9/2 से 9/2 10/3, तो एक महीना करीबन इसका आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया की, तो उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे सबसे पहली बात। दूसरी बात जो है पोर्टल पर OTR से अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ अभ्यर्थी परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा के परीक्षा शुल्क जो है जमा करवाना आवश्यक है। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट का उपयोग करें। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक पत्र क्रमांक अवश्य रूप से प्राप्त करना होगा, यानी कि जो आपको फॉर्म भरने के बाद जो है एक पेज दिया जाएगा हार्ड कॉपी, वो आप जरूर लें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र और परीक्षा शुल्क रसीद हार्ड कॉपी का प्रिंट अवश्य रूप लें, यानी कि मैंने यही बताया अभी कि आपको हार्ड कॉपी लेनी है।
उसके बाद जो है कुछ परीक्षा शुल्क की बात करें, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, राजस्थान के क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के 350 रुपये हैं, राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी व अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग 250 रुपये, समस्त निःशक्तजन राजस्थान के अनुसूचित हैं एस सी एस टी जिनका पारिवारिक आय 2.50 है 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए जो है मात्र 150 रुपये आवेदन शुल्क रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इसमें जो आपके फिजिकल की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और बिना फुलाए जो सीना होता है चेस्ट जो है वो 81 होनी चाहिए, फुलाने के बाद आपको जो है 86 करनी है। ठीक है, उसके बाद कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को जो है छूट भी दी गई है। साथियों मैं आपको पीडीएफ पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है जिसकी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से पीडीएफ आप जरूर ले लें पीजे लक्ष्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल से। और साथियों इसकी विस्तृत जानकारी जो है आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा यानी कि आयु का ध्यान रखना है। साथियों आयु को आप जो है जरूर पढ़ लें, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से। तो साथियों ये थी एसआई की वैकेंसी, बहुत ही शानदार वैकेंसी है साथियों, सब इंस्पेक्टर यानी कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी कह सकते हैं, पुलिस विभाग की बहुत बढ़िया वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो आप जरूर इसमें अप्लाई करें साथियों। इसके साथ साथ आपको जो है हमारे चैनल पर एसआई की क्लासेस भी जल्दी शुरू करने का जो हमारा विचार है, तो आप साथियों जरूर बताएं कि क्या क्लासेस शुरू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, आपको जो है सिलेबस के बारे में कल सुबह वीडियो मिल जाएगा यानी कि सिलेबस का वीडियो जो है कल सुबह मिल जाएगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर ऑल इंडिया की किसी भी वैकेंसी की न्यूज़ सबसे पहले दी जाएगी। थैंक यू सो मच।